सो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं धाणी गेस्ट हाउस इन क्लेमेंट काउंटी। और ये चार हमारे पास गेस्ट हाउसेज हैं विद टू बाथरूम्स, अगेन जिसको बनाया गया है राजस्थानी ट्रेडिशनल मिट्टी वाले घर वाले स्टाइल पे। इसमें हमारे पास हमने ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल किया और ये लगभग हाफ फिनिश हो गया। लेट मी शो यू। सो ये धाणी नंबर वन है, ये देखिए हाफ डन है। सो दिस इज द विंडो, ये वॉल है, ये मिट्टी की दीवार है। ये देखिए इसमें ब्रिक यूज़ किया हुआ है एंड सारी चिनाई की हुई है। सो धाणी को जो शेप दिया हुआ है वो सर्कुलर शेप दिया हुआ है। ये धाणी नंबर टू है, देखिए एक राउंड रूम है, कच्ची मिट्टी का घरा हुआ। सो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जब भी एयर कांटेक्ट आता है तो स्लाइड करके निकल जाता है और इट्स वेरी सेफ। मिट्टी होने की वजह से हीट अप नहीं होता, हमेशा ठंडा रहता है, यू डोंट नीड एसीज। देखिए कैसे चिनाई होती है, उसको भी आपको एक लुक दिखाते हैं। चिन्ना हुआ इन साइड, दिस इज़ हाउ कच्ची ब्रिक्स रखी जाती हैं। 101 इस कच्ची ब्रिक्स को रखने के बाद इस तरह से चिनाई की जाती है मिट्टी से, सारा हैंडमेड, सारा काम हाथ से होता है। सो धाणी में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि ट्रेडिशनल हाउस है, तो इसमें जो चिनाई का काम है वो सारी की सारी सिर्फ राजस्थान की कुछ स्पेशल स्किल्ड औरतें ही कर सकती हैं, इसको हर कोई नहीं कर सकता। जो हमारे यहाँ मेल टीम है वो उसको कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती हैं, बट जब वो उसके ऊपर लिपाई होती है मिट्टी की, जब लिपाई होगी, जब ये वॉल को तैयार किया जाएगा तो इसके ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ हाथ से होगी, और हाथ से इसको सिर्फ तैयार कर सकते हैं राजस्थान की कुछ जो ट्रेडिशनल आर्ट जानती हैं इसको लिपाई करने का, वो औरतें। सो इसमें घास मिला हुआ है, इसमें मिट्टी है, इसमें गोबर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। सो लेट्स कम डाउन टू रूम नंबर थ्री। सो रूम नंबर थ्री जो है वो बाथरूम है, इट्स अ डी शेप बाथरूम, मतलब नॉट अ डी शेप्ड बाथरूम, मतलब लाइक अ डी शेप बाथरूम, हाफ सर्कल, ये देखिए। सो इसको हमने पूरा पक्की मिट्टी का बनाया क्योंकि बाथरूम है तो वाटर सीपेज का प्रॉब्लम ना हो। सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज एरिया, ह्यूज एरिया इनसाइड। ये धाणी नंबर थ्री है, इनको सूखने का टाइम दिया जा रहा है। आइए लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम इनसाइड। ये देखिए खेतड़ी का क्लियर स्काई, और ये धाणी। और ये खेतड़ी की गोल्डन सैंड। धाणी के हमने चारों ओर, ये जो बिल्कुल चारों ओर जो है इसकी बाउंड्री की हुई है, इसको मेन फ्लोर से लगभग 5 फीट ऊपर रखा गया है, इस धाणी एरिया को, गेस्ट हाउस एरिया को। चारों तरफ से इसमें ग्रीनरी मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। दिस इज धाणी नंबर 4 एंड दिस इज द सेकेंड बाथरूम। सो दिस इज ऑल्सो यूनिक शेप, ये दिस इज अ पाई शेप बाथरूम, ये देखिए।
देखिए हाउ डू वी डू द कंस्ट्रक्शन। सामने मिट्टी बन रही है, देखिए मिट्टी तैयार हो रही है लिपाई के लिए। सो दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन इज बीइंग कंडक्टेड हेयर। नेचुरल कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं टू कीप इट नेचुरली कूल्ड एंड यू नो सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, एवरीथिंग एट द सेम टाइम। सो ढाणी को कम्प्लीट होने में सिर्फ 1 से 1.5 महीने का समय और लगेगा, एंड देन वील लॉन्च आर नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कम्प्लीशन पूरा दिखाएंगे। अप टिल देन, होला, बाय।